आपने तो देखा होगा कि आज मध्य प्रदेश में कैसी सरकार चल रही है। मेरे ख्याल से 225 महीनों की सरकार है और 250 घोटाले हैं। 18 साल से सरकार चल रही है, 22,000 घोषणाएं की हैं। मंडला जबलपुर की जो सड़क है 10 साल से बन रही है, 10 साल से। पहले 4 लेन की बन रही थी, अब 2 लेन की बन रही है, लेकिन 10 सालों में बना नहीं पाए। वही मैं कह रही हूं, ढंग से नहीं बनी है। आप आ जाइए ना मंच पे। मुझे बताते रहिए। यहां की सड़क की तो यह स्थिति है कि गडकरी जी जो मंत्री हैं, जो सड़क बनवाते हैं, उनको आकर माफी मांगनी पड़ी आपके सामने। ये बात है, आप सोचिए। इतने सारे घोटाले, बच्चों के पोषण में घोटाला, मिड डे मील में घोटाला, सर्व शिक्षा अभियान में घोटाला, स्कॉलरशिप में घोटाला, भर्ती परीक्षाओं में घोटाला, तो बच्चों का भविष्य क्या है? आप बताइए बहन, आप ऐसे कर रही हैं, क्या भविष्य है? आप अपनी बच्चों के लिए मेहनत करती हैं कि नहीं? मेहनत करती हैं, मेहनत से उनको, उनका पालन पोषण करती हैं। तमाम दुनिया भर की समस्याएं होती है, लेकिन माँ बाप क्या चाहते हैं कि बच्चों की परवरिश ठीक ढंग से हो, बच्चे आगे बढ़े। लेकिन आपको अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। जब आपके स्कूल में पोषण पर घोटाला हो रहा है, जब स्कॉलरशिप पे घोटाला है, जब भर्ती की परीक्षाओं में घोटाला है, तो बेचारा नौजवान करे क्या? स्कूल करता है, पढ़ाई करता है, अच्छे अच्छे अंक भी लाता है, आगे जाकर फीस भरता है, ट्यूशन करेगा, भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी करेगा बेचारा। माँ बाप कभी कभी घर से बाहर भी भेज देते हैं, दूर कहीं पे ट्यूशन सेंटर में, किसी शहर के अंदर की, जा बेटा पढ़ ले, अच्छा भविष्य बनेगा। और फिर क्या होता है, उसमें घोटाला हो जाता है, हर स्तर पर घोटाला। तो बेचारा परीक्षा देता है, परीक्षा में पास भी हो जाता है, लेकिन नियुक्ति नहीं होती, क्योंकि घोटाला हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है। तो जब अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ भविष्य में दिख नहीं रहा है, उम्मीद ही नहीं रही, तो आगे कैसे बढ़ पाओगे? आपका विकास कैसे हो पाएगा? सबसे बड़ा व्यापम का जो घोटाला हुआ यहाँ, पता नहीं कितने लोग मर गए उसमें, किसी ने इंक्वायरी जांच तक भी नहीं कराई, और वही सरकार चली जा रही है, चली जा रही है। माँ नर्मदा पे घोटाला, महाकाल में घोटाला, मंदिर में जो मूर्तियां लगाई हैं उस पर भी घोटाला। तो थक नहीं गए हो आप? थक गए हो ना? क्योंकि आखिर देखिए, जो नेता होते हैं, राजनीति में आते हैं, किस लिए आते हैं? ज्यादातर तो ये भावना रख के आते हैं कि कुछ सेवा करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, और आपको भी उनसे कुछ उम्मीद रहती है कि ठीक है, ये मेरे गांव का एक नेता है, हमारे मेरे करेगा, है कि नहीं? लेकिन जब आपको दिखता है कि चाहे कुछ भी मंच पे आकर कुछ भी कह रहे हैं, आपको कुछ भी कहानियां सुना रहे हैं, लेकिन सच्चाई इनकी कुछ और है, जब आपको दिख रहा है कि सालों से, 10 सालों से आपकी सड़क नहीं बन पा रही है, जब आपको दिख रहा है कि यहां नर्मदा मैया में घोटाला हो रहा है, आपके बच्चे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, यहां से पलायन करके चले जा रहे हैं बड़े बड़े शहरों में भटकते हुए नौकरी ढूंढने के लिए, तो क्या आप नहीं सोचते कि बहुत हो गया है, कि अब सरकार बदलने का समय आ गया है?